आप देख रहे हैं SCN न्यूज इंडिया, हर खबर पर नजर। जिला पेंशनर एसोसिएशन ब्लॉक शाहपुर की मासिक बैठक दोपहर 12 बजे ग्राम भौरा के मां बीजासन माता मंदिर पर आयोजित हुई। पेंशनर एसोसिएशन ब्लॉक शाखा शाहपुर के उपाध्यक्ष संतोष कुमार पांडे के नेतृत्व में बैठक में पुनः निर्वाचित हुए जिला पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष रामचरण साहू का सम्मान फूल मालाओं से किया गया। साहू के पुनः निर्वाचित होने पर ब्लॉक शाखा के समस्त पेंशनर्स ने उन्हें बधाई दी। बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा मुख्य रूप से शासन से पेंशनर की मांगे और जिले के पेंशनरों के लंबित प्रकरण पर गहरा मंथन किया गया। शाहपुर भौरा ग्राम के उपस्थित सदस्य एक स्वर में पेंशनरों की लंबित मुख्य मांगों को पूर्ण करने पर जोर दिया गया। वहीं अध्यक्ष साहू के द्वारा बताया गया कि उन्होंने पत्र के माध्यम से विधायक और सांसद महोदय को भी सभी पेंशनरों की समस्या की सूचना आवेदन के माध्यम से दी है। हाँ, हमारी जिले की बहुत समस्या है। एक तो बड़ी दुख की बात, इस बात का दुख है कि हमारा पेंशनर जब रिटायर होता है तो वैसे ही हमारा पेंशनर 60-62 साल की उम्र के बाद रिटायर हो रहा है। पेंशनर वैसे ही उनका शारीरिक क्षमता कमजोर हो जाती है, आधी पेंशन तो उनके दवाई में जाती है और आधी पेंशन अपने जीवन निर्वाह परिवार निर्वाह में जाता है। पेंशनरों के कई ऐसा है कि पेंशनरों के भरोसे ही उनके घर का चूल्हा जलता है, ना उनके लड़के बच्चे नौकरी में है, ना खेतीबाड़ी है, ना कुछ है, पेंशनर के माथे सारी चीज़ है। और सरकार ऐसे में पेंशनरों की अनदेखी कर रही है। और उसके बाद जो पेंशनर रिटायर होता है तो जिले के जो पेंशनर है अलग अलग विभागों के, उनके समस्याएं जैसे समय पे उनका PPO, समय पे उनकी पेंशन चालू होना, उनके जो एरियर्स का भुगतान होना, और उसके साथ साथ ऐसे पेंशनर जिनके पेंशनर की मृत्यु हो जाती है और उनकी पत्नी जिसको फैमिली पेंशनर कहते तो वो फैमिली पेंशन, तो ये अनेकों समस्याएं जो होती है, ऐसे प्रकरण को जिले के माध्यम से हमने निराकरण कराया है। हमारे जिले के जो पेंशनरों ने शिकायत दी थी तो 122 पेंशनरों का समस्या का निराकरण कराया है, 122, जिसमें मलेरिया विभाग के 8, स्वास्थ्य विभाग के 33, PHU विभाग के 36, वन विभाग के 32, कृषि विभाग के 1, राजस्व विभाग के 4, शिक्षा विभाग के 6, अनुसूचित जनजाति के 1, कोषालय के 1, ऐसे 122 पेंशनरों का समस्या हल किया है। और ये सब हमारे पेंशनरों के लंबित मांगों का निराकरण किया और ये पीड़ित थे, बहुत परेशान थे, और हमारा पेंशनर एसोसिएशन संगठित होकर हमारे जिले के समस्त एकजुट होकर हमारे कार्यकारिणी के सदस्य और इन लोगों हम लोगों की सक्रियता से इस पर हमको सफलता मिली है। शाहपुर से संदीप पाटनकर की रिपोर्ट।